हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और बचपन से मैं अपने आप से एक सवाल अक्सर पूछा करता था और मुझे यकीन है कि आपने भी ये सवाल अपने आप से कभी ना कभी तो पूछा ही होगा कि मैं कब मरूंगा, वो दिन कौन सा है जो कि मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हम इस दुनिया में जन्म इसीलिए लेते हैं ताकि एक दिन हमें इस दुनिया को ही छोड़ना पड़े? जिस दिन से हम जन्म लेते हैं हमारी जिंदगी की टिक टिक शुरू हो जाती है जो चलते रहेगी जब तक हम अपने अंतिम लम्हे तक पहुँच न जाए। क्या हम भविष्य में कोई ऐसा तरीका ढूंढ पाएंगे जिससे अगर हम अमर ना सही तो एटलीस्ट 150 से 200 साल से ऊपर जी पाए? मानता हूँ कि आज के लिए ये इम्पॉसिबल है, लेकिन इतिहास में एक इंसान ऐसा रहा है जो 100 नहीं 120 नहीं बल्कि पूरे 150 साल जिंदा रहा है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि ये कैसे कर पाया, पर उससे पहले क्या आपको पता है कि पूरे मानव इतिहास में उन लोगों को काफी भाग्यशाली माना जाता था जो 40 की उम्र तक जिंदा रह पाते थे। आजकल अक्सर लोग 100 से भी अधिक साल जी लेते हैं। अब तक ऑफिशियली सबसे ज्यादा उम्र जीने वाली महिला का नाम है जॉन कॉलमेंट। ये फ्रांस देश से रही है और कुल मिला के 122 साल और 144 दिन जिए है। दिलचस्प बात तो ये है कि अगर आप सन 1900 में पैदा होते तो आपके लगभग 50 साल की उम्र में गुजर जाने की संभावना 40% से भी ज्यादा होती। आज के तारीख में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी लोगों की जिंदगियों का एवरेज है 61 ईयर्स और ये है पिछड़े देशों में। अगर हम बात करते हैं अमीर देशों की जैसे की जापान, तो वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 84 ईयर्स, तकरीबन दुगनी 100 साल पहले के एवरेज से। काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं, राइट? यहाँ तक इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तकरीबन 68 ईयर्स। 1990 में पूरे दुनिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 65.3 ईयर्स और 2013 में ये आंकड़े पहुँच गए 71.5 ईयर्स, यानी की 6.2 सालों का बढ़ावा सिर्फ 23 सालों में। और उम्मीद की जा रही है की ये आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं मेडिकल साइंस की बदौलत। लेकिन जैसे हमने जाना कि मॉडर्न एज में सबसे ज्यादा जीने वाली महिला सिर्फ 122 साल की ही थी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे मानव इतिहास में कोई और ऐसा बाहुबली जिया हो जो इससे भी ज्यादा वर्ष तक जी पाया? वेल, स्रोतें हमें बताती है कि हाँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने ठीक सुना, मैंने 150 वर्ष ही कहा। इस इंसान का नाम था थॉमस पार और ये इंग्लैंड देश का था। थॉमस का जन्म हुआ था सन 1483 में और वो सन 1635 तक जीवित रहा। पार की जिंदगी ठीक वैसी ही थी जैसे कि आज के एक 150 साल के आदमी के बारे में सोचा जा सकता है। वो बेहद मशहूर था अपनी उम्र के वजह से। जब वो 100 साल का था तब तो उसका अफेयर चल रहा था। जब उसकी पत्नी गुजर गई तब वो 110 साल का था और उसके बाद वो इस दूसरी महिला के साथ रहने लग गया। इसके साथ उसका अफेयर था और उसने 122 साल की उम्र में उससे शादी भी कर ली। जैसे ही उसके काफी ज्यादा उम्र होने के चर्चे छपने लगे, थॉमस अपने देश का जाना माना चेहरा बन गया। थॉमस के मशहूर होने का बस सिर्फ एक ही कारण था और वो थी उसकी उम्र। लेकिन क्या वजह थी कि थॉमस इतना लंबा जी पाया और बाकी सभी लोग क्यों नहीं जी पाते? हम बूढ़े ही क्यों होते हैं? क्यों ना हमेशा जवान रह सके? क्या हमारे जीन्स कारण है इसके, या फिर ये एक प्रकृति का ही नियम है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता? वेल, हमारा शरीर उम्र बढ़ने पर ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि एक पुरानी कार जिस पर जंग लगी हो। हमारा शरीर हर कुछ हफ्तों और महीनों में हर एक शारीरिक कोशिकाएं को रीजेनरेट करता है। मतलब भले ही हम 80 साल जीते हैं लेकिन हमारी कोशिकाएं असल में कुछ हफ्ते ही जीती है, लेकिन हमारे जीन्स इन्हीं कोशिकाओं को वापस रीजेनरेट करते हैं। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है, सो बिल्कुल ध्यान दीजिए। हमारे क्रोमोसोम्स के एंडिंग्स में एक चीज होती है जिसे कहा जाता है टेलोमीयर्स, और अगर आपको किसी चीज को गाली देनी है बुढ़ापे के लिए तो बिल्कुल इसी टेलोमीयर्स को दीजिए, क्योंकि हर एक बार जब आपके क्रोमोसोम्स यानी आपके जीन्स रेप्लिकेट होते हैं तो ये टेलोमीयर्स छोटे होते जाते हैं और अंत में सैकड़ों बार रेप्लिकेट होने के साइकिल के बाद ये इतने छोटे हो जाते हैं कि फिर रेप्लिकेट नहीं कर पाते, और इसी वजह से आपके कोशिकाएं वैसे नहीं रहती जैसे जवानी में थी। इसीलिए आपको झुर्रियां भी आती है। लेकिन कुछ लोग के टेलोमीयर्स एबनॉर्मली या तो लंबे होते हैं या फिर धीमी गति से रेप्लिकेट होते हैं, और शायद इसीलिए थॉमस 150 साल तक जिंदा रह पाया हो। सन 1635 में थॉमस हॉवर्ड जो कि ऑनडेल के 21वें अर्ल थे, वो थॉमस पार से मिलने गए ताकि वो लंदन के राजा किंग चार्ल्स से मिल सके। थॉमस पार को बहुत सम्मान के साथ रखा गया
गया और राजा चार्ल्स ने उनके लिए दुनिया के सबसे स्वादिष्ट भोजन का बंदोबस्त कराया। लेकिन जब उस राजा ने थॉमस को ये भोजन खिलाने की कोशिश की, तभी ही पार ने उसी वक्त दम तोड़ दिया और डाइनिंग टेबल पर ही चल बसा। उसके मर जाने का कारण ये माना जा रहा है कि उसका शरीर इस नए खाने में बदलाव को नहीं सह पाया। मरते समय उसकी आयु थी 152 वर्ष और सभी लोग ये जानते भी थे। लेकिन क्या अगर ये 150 साल जिया, ये बात अगर सच ना हो तो? मेरा मतलब, ऑब्वियसली उन दिनों सरकारी रिकॉर्ड्स नहीं होते थे, सिर्फ उनके प्रीस्ट द्वारा किए गए बैप्टिज्म के डेट से ही उनका जन्मदिन रिकॉर्ड किया जाता, तो ऑब्वियसली हमारे पास कोई ऑफिशियल स्रोत नहीं है ये प्रूफ करने के लिए। विलियम हार्वी, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी, उन्होंने थॉमस के मरने के बाद उसके शरीर का टेस्ट किया। जानकारों के मुताबिक, जब थॉमस के डेड बॉडी को आधुनिक यंत्रों की मदद से जांचा गया, तो मालूम पड़ा कि दरअसल थॉमस अपने मृत्यु से पहले केवल 70 से 100 वर्ष का ही था। लेकिन ऑफ कोर्स वो समय इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ये बात को 100% प्रूफ कर सके। एक संभावना ये भी हो सकती है कि थॉमस के जन्मदिन के रिकॉर्ड्स दरअसल उसके दादाजी के थे और सन 1483 में थॉमस का नहीं बल्कि उसके दादाजी का जन्म हुआ था। वैसे जानकारों के अनुसार थॉमस को 15वीं सदी के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं पता रहता था। क्या उसने सच में ये सब शोहरत और नाम के लिए किया, या फिर इसमें उसके गांव वालों का भी हाथ था कि उन सभी ने मिलकर ये अपने गांव की टूरिज्म को बढ़ाने के लिए किया? और ये भी हमें पूरी तरह नहीं पता कि वो वाकई में 150 साल नहीं जिया। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि 150 साल जीना किसी के लिए भी संभव हो सकता है या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताना। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि आज या इससे पहले कोई इतना जी पाया होगा, लेकिन भविष्य में मे बी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।